लुधियाना में खड़े वाहनों के शीशे तोड़े, मूंगफली बेचने वालों ने मांगे पैसे तो किया हमला, महिला ने रोका तो उसे भी धमकाया। पंजाब के लुधियाना में जमालपुर कॉलोनी स्थित मूंगफली और नारियल बेचने वाले युवक पर दो लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। युवक के चिल्लाने पर पड़ोसी महिला उसकी मदद करने आई, आरोपियों ने उस महिला से भी गाली गलौज करनी शुरू कर दी। दोनों आरोपी मौके से चले गए। आरोपियों ने घटना स्थल पर खड़ी गाड़ियों से भी तोड़फोड़ की, जिसकी वीडियो सामने आई है। मूंगफली बेचने वाले नूर हसन ने बताया कि वह मूंगफली बेचने का काम करता है। दोनों आरोपियों ने मूंगफली पैक करवाई, उसने जब पैसे मांगे तो आरोपी उसे गालियां देने लगे। पैसे ना देने पर जब उसने विरोध किया तो आवाजें सुनकर मोनिका ने उन दोनों बदमाशों को समझाया कि वे पैसे देकर जाएं। इतने में वे लोग भाग गए और कुछ देर बाद तेज धार हथियारों से मारपीट कर वहां खड़ी गाड़ियों और ऑटो के शीशे तोड़ दिए। जमालपुर कॉलोनी में सरेआम आरोपियों ने घर के बाहर ललकारे मारे और वाहनों के शीशे तोड़े। बदमाशों की हरकतें वीडियो में कैद हुई। महिला का आरोप है कि वह पुलिस को पूरे मामले का वीडियो सौंप चुकी है, बावजूद इसके पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।